पुलिस के लगातार उत्पीड़न से फटपटरी वालों पर गहराया जीविका चलाने का संकट। मुरादाबाद जीविका बचाओ आंदोलन समिति द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करे ज्ञापन जिलाधिकारी खबर को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि ईदगाह रोड पर गरीब ठेले वाले पीढ़ी दर पीढ़ी अपना फड़ लगाकर परिवार पालते आ रहे हैं। नगर निगम द्वारा भी इसे वेडिंग जोन में घोषित किया गया है, लेकिन पिछले कई दिनों से गल शहीद थाने में पुलिस इन गरीबों को ठेले नहीं लगाने दे रही है और धमकी दे रही है कि यदि किसी ने भी फड़ आदि लगाया तो उसका सारा सामान भरकर गाड़ी में ले जाएंगे और उल्टा उसके ऊपर मुकदमा लिख कर जेल भेज देंगे। पुलिस की इस धमकी से सभी फड़ वाले भयभीत हैं और पुलिस के भय से पहले ना लगने से परिवार की भुखमरी के हालात लगातार पैदा हो रहे हैं, इसलिए लगाने के लिए अनुमति दी जाए ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। जो ईदगाह पर लोग गरीब लोग पीढ़ी दर पीढ़ी फड़ लगाते हैं, ठेला लगाते हैं और अपना परिवार पालते हैं, अभी कुछ समय से कल से ही पुलिस ने उनको उजाड़ना शुरू कर दिया है। 5 तारीख से आज तक उनकी फड़े नहीं लगने दी हैं। हम लोग 9 तारीख को SSP महोदय से मिले थे, हम SO कल शहीद से भी मिले थे। SO कल शहीद ने हमसे कहा था कि आप SSP साहब से एक बार मिले। हम SSP साहब से 9 तारीख को मिले, उनके कार्यालय में हमारी मुलाकात हुई, हमने ज्ञापन दिया। इसके सूचना हमने SO कल शहीद को भी तत्काल दी कि हमारा हमने SSP साहब से बात कर ली है। उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, मैं SSP साहब से बात करूंगा और आपके फड़ों को लगने दूंगा, लेकिन उन्होंने अभी तक फड़ों को नहीं लगने दिया, ठेलों को नहीं लगने दिया, बल्कि उल्टे कल 2 लोगों को उठाकर बंद कर दिया, उनका सामान उठाकर ले गए। रात को 11:30 बजे के आसपास उन्होंने उनको छोड़ा। तो इस तरीके से डंडे के बल पर जो पुलिस गरीब लोगों को उजाड़ रही है, उनके परिवार कैसे चलेंगे, उनके मर रहे हैं बच्चे। ये लोग एक दिन अगर अपना कारोबार ना करें तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो ये जिले का जो पुलिस प्रशासन है, ये जो डंडे के बल पर गरीब लोगों को उजाड़ रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और इनको जो ये फड़ लगाते हैं, इनका जो है उनको कारोबार करने दिया जाए। ये मानते हैं।